एंड मैं उमर रियास एंड गीता माँ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि जब उमर रियास को घर से एविक्ट करना था तो गीता माँ ने भी उन पर बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगाए थे, जिसके कारण काफ़ी फैंस का दिल टूटा था और काफ़ी लोग भड़के थे। वो थे इल्ज़ाम उनकी डॉक्टरी को लेकर, उनको कहा था कि मुझे तुमसे डर लगता है और तुमसे इलाज कौन करवाने आएगा, तुम इतने एग्रेसिव हो और तुम इलाज कैसे करते होगे, मुझे तो डर लगता है कि कब तुम इलाज करने लगते होगे या किसी की सर्जरी करने लगते होगे तो तुम्हें अग्रेशन आ जाता होगा तो तुम क्या करते होगे, वो व्यक्ति तो मार ही देते होगे। तो उमर रियास पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए थे जिसके कारण गीता माँ को भी बहुत बड़ी फैंस ने सजा दे ही दी और उनको बहुत ही गीता माँ को इस बात के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि उन्होंने एक सच्चे और नेक व्यक्ति पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन उमर रियास ने कभी भी उनको कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने हमेशा ही उनको रिस्पेक्ट की और तब भी वो रिस्पेक्ट देते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब उमर रियास को भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए दुख होता है और हम आपको बता दें कि जिस दिन डॉक्टर डे था तो उमर रियास ने अपनी कुछ वीडियोस डाली और जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के लिए बहुत बढ़िया कहा था और उन्होंने गीता माँ की भी वो वीडियो डाली जिसमें गीता माँ उनको बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही थी और कहा, और उसके ऊपर उमर रियास ने अपना सॉन्ग लगाया हुआ था जिसके में कहा गया था कि मेरे प्रोफेशनल पर जानबूझकर इल्ज़ाम लगाए गए, मुझे जानबूझकर गलत दिखाया गया, जैसे कि उमर रियास ने अपने दिल की भड़ास निकाली हो। सच में मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब उमर रियास को इतना बुरा भला कहा गया था क्योंकि उमर रियास हमेशा ही हर एक की हेल्प करते हुए नज़र आते थे और उमर रियास ने वो वीडियो भी डाली जिसमें वो बिग बॉस के घर में सब लोगों की केयर करते थे और रात को भी कर अपनी नींद को गाल कर दूसरों के लिए टाइम निकालते थे। सच में आपको भी उनका जे पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।